नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान की सरजमी पर चल रहे किसान आंदोलन का चक्का अब पूरे देश में घूमता जा रहा है। अब यूं तो देश के कुछ बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन और किसानों की मांग को देखते हुए अब राजस्थान से भी लोग बॉर्डर्स पर पहुंचने लगे हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं राजस्थान के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानी सीधे फैक्ट इंडिया के कैमरे के जरिए। ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की और ये तस्वीर है किसान आंदोलन के उस मंच की, जहां तमाम किसान नेताओं के साथ बैठे हैं राकेश टिकैत। हिंदुस्तान में किसानों के बीच लोकप्रिय और चर्चित किसान नेता के रूप में टिकैत की अलग ही छवि बनी है। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यहां किसान नेता टिकैत को पहनाई जा रही है 125 फीट लंबी पगड़ी, वो पगड़ी जिसे हमारी संस्कृति में आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पगड़ी के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने की कहानी क्या है। दरअसल किसान आंदोलन में शामिल किसानों की हौसला अफजाई करने की ये शुरुआत हुई है राजस्थान से, और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ओर से इस पगड़ी को टिकैत को पहनाया गया। किसानों का प्रतीक चिन्ह हल टिकैत को सौंपा गया और पगड़ी जब पहनाई गई तो वाकई किसानों के चेहरे पर भी जोश देखा गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ओर से इस मौके पर संसद के संयोजक पीएस कलवानिया, संयोजक राम अवतार पलसानिया, समाज सेवी विकास सिरोही शुभम चौधरी और वरदान सिरोही मौजूद थे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर क्या कहना था किसान नेताओं का। प्रतीक माना जाता है और जयपुर राजस्थान से आप उसको गाजीपुर बॉर्डर पर लेके आए और यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत को पहनाया है, क्या सोचते हैं? देखिए, पहले लोग कहते थे कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, फिर हरियाणा साथ जुड़ा तो कहा हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, फिर राकेश टिकैत जी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग जुटे तो कहा कि केवल ये उत्तर प्रदेश के कुछ सीमित लोग हैं। लेकिन जिस दिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पगड़ी को उछालने का जो काम किया सरकार ने और राकेश टिकैत जी के साथ में जो बदतमीजी बदसलूकी का काम किया, उस दिन राजस्थान की पाकिस्तान की बॉर्डर पर बाड़मेर तक का किसान है उसकी आत्मा रोने लग गई। वो आंसू राकेश टिकैत के नहीं, बाड़मेर तक की बॉर्डर तक के किसानों के वो आंसू थे। हम राकेश टिकैत जी को विश्वास दिलाने के लिए आए और स्वाभिमान की प्रतीक पगड़ी पहनाने के लिए आए, 125 फीट की पगड़ी, कि राकेश जी आप संघर्ष करो, राजस्थान का बच्चा बच्चा जवान और किसान आपके साथ में है। तो हिंदुस्तान का किसान चौधरी राकेश टिकैत के समर्थन में और उनके कंधे मजबूत करने के लिए पूरा राजस्थान का किसान ही, पूरा हिंदुस्तान का किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ उमड़ चुका है। हमारा पूरा हिंदुस्तान के किसानों से आह्वान है कि आज हमने राजस्थान की जो शान होती है पगड़ी, 125 फीट की पगड़ी और किसान का जो प्रतीक होता है वो आज राकेश टिकैत जी को भेंट किया है और ये आश्वासन दिलाया है कि राकेश जी आप अकेले नहीं हो इस संघर्ष में। हिंदुस्तान का जो जिस घर में खाना बनता है, जो घर का जो एक एक निवाला जो लेता है, उस हर बंदे का फर्ज और दायित्व बनता है कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे और अपना तन मन समर्पित करे। कहते हैं कि जब किसी की हौसला अफजाई की जाती है तो लोगों में जोश भी होता है, और जब इसी मन से समाज सेवी विकास सिरोही ने अपना संबोधन दिया तो वाकई किसानों का जोश भी देखने लायक था। एक किसान की आंख में खाली उन पानी आने से यह सैलाब आ सकता है तो सोचो इस कौम के खून में कितना उबाल होगा। अब केवल जोश भरने वालों का ही जज्बा नहीं, बल्कि खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पगड़ी को लाज का सवाल बताया। जरा सुनिए राकेश टिकैत को। एक आज आपको राजस्थान से 125 फीट साफा मिला है। हाँ भाई, राजस्थान की पगड़ी है ये और ये पगड़ी का ही सवाल है। गाजीपुर बॉर्डर पर बने इस किसान एकता मोर्चा के मंच पर टिकैत को आन बान और शान के प्रतीक पगड़ी को पहनाने पर युवाओं का कहना था कि वाकई ये उसकी लाज रखेंगे और वो किसानों के साथ खड़े हैं। जो किसान लगातार जो मेहनत करते हैं उनका फायदा उन्हें मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं युवा वर्ग से अनुरोध करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो किसान हो ना हो, ये एक हक की बात है जिसमें उन सबको आना चाहिए और अपना पार्टिसिपेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ ही आगे का हमारा फ्यूचर है और अगर वो नहीं आएंगे ना, वो गुमशुदा रहेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।
वाकई हिंदुस्तान में राजस्थान पगड़ी का जो दस्तूर है, उसकी जो पहचान है, वो वाकई एक अलग ही मिसाल कायम करती है। आपने फैक्ट इंडिया के कैमरे के जरिए देखा कि जब राकेश टिकैत को पगड़ी पहनाई गई तो जोश और जज्बा भी देखने लायक था। नमस्कार।